पहले तो बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में बीजेपी के दो मंत्री रैली करते हैं, उसके बाद एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, जो कि झूठा साबित हुआ, जिसका पर्दाफाश हमने एबीपी न्यूज में अपने कार्यक्रम वायरल सच में किया। और अब नव निर्वाचित उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने जो बयान दिया है वो सभ्य समाज के लिए निहायत ही शर्मनाक बयान है। उन्होंने कठुआ को एक छोटी घटना बताया, और जानते हैं जब उन्होंने बयान दिया तो साथ खड़े बीजेपी के नेता हंसने लगे। एक 8 साल की बच्ची से बलात्कार, उसमें यह समाज की संवेदनहीनता के तमाम नए पैमाने, तमाम नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और जाहिर सी बात है। मगर दूसरी तरफ कविंद्र गुप्ता, जो कि डेप्यूटी सीएम है, संवैधानिक पद पर हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कठुआ एक छोटी घटना है। अब उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए और देखिए कि किस तरह से ये शख्स हम सबको शर्मिंदा कर रहे हैं। मामला भी इस कठुआ मामला छोटी सी बात है, इसको इतना तूल देनी नहीं चाहिए। मामला भी इस कठुआ मामला छोटी सी बात है, इसको इतना तूल देनी नहीं चाहिए। कठुआ मामला एक बहुत छोटा सा मामला है और इससे हमें तूल नहीं देना चाहिए। और उसके बाद एक ठहाका, ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो बलात्कार पर ठहाके लगा सकते हैं, कैसे लोग हैं ये, और इनकी इंसानियत कितनी आसानी से मर जाती है, कितनी आसानी से। वाकई आज मेरे पास शब्द नहीं है, जब मैं संवैधानिक पदों पर बैठे, और ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये सोशल मीडिया का कोई ट्रोल नहीं है जो बलात्कार को भी सही बताए, मगर दूसरी तरफ ये वो शख्स है जो कि डेप्यूटी सीएम है, एक राज्य के डेप्यूटी सीएम, इसके मायने आप समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इस पर सियासत होना लाजमी है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने क्या कहा वो भी आपको हम सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी सीएम कविंद्र गुप्ता कहते हैं कि कठुआ की 8 साल की बच्ची से रेप छोटी सी घटना है। यह कपिल सिब्बल का ट्वीट है। गुजरात सीएम विजय रूपाणी कहते हैं कि नारद गूगल की तरह थे। अगर ये अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो राज्य को क्या करेंगे, देश वाकई बदल चुका है। अब मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि बलात्कार पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा कठुआ गैंग रेप और उन्नाव में जो घटना हुई। मगर इन दोनों घटनाओं से अगर एक चीज साबित होती है कि चूंकि आपकी सियासत गैंग रेप पीड़िता का विरोध करके आपकी सियासत को आपको साधने का मौका मिलता है, लिहाजा आप बलात्कारियों के आरोपियों के साथ, बलात्कार के आरोपियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जी हां, और बीजेपी का पर्दाफाश कोई और नहीं बल्कि उनके पार्टी के भीतर से बीजेपी विधायक दीनानाथ भगत कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कठुआ गैंगरेप इतनी छोटी घटना थी तो सीबीआई जांच क्यों करा रही है। दीनानाथ भगत ने बहुत ही, जिसे कहते ना, संवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कठुआ की घटना को ठीक से हैंडल नहीं किया गया है, और अगर यह छोटी सी घटना थी तो सीबीआई जांच क्यों, क्यों इसको लेकर इतना बवाल। उस लड़की के फेवर में बोलते हैं, कभी आप जितने हमारे जम्मू प्रोविंस के लोग हैं बेचारे उनके हक में बोलते हैं, तो जो सही मायनों में इस केस को जो टैकल नहीं कर पाई है उप मुख्यमंत्री जो कविंद्र गुप्ता जी बने, उन्होंने कहा ये बहुत छोटा सा केस है। अगर ये इतना बड़ा छोटा केस है तो फिर ये हमारी सरकार सीबीआई की क्यों जांच करवाना चाहती है। आज से 5 साल पहले अगर इस तरह के बयानात किसी ने निर्भया गैंगरेप में कहा कि ये होते तो आप क्या कहते। मगर आज हम इतने बेशर्म हो चुके हैं कि एक 8 साल की मासूम के बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकलती हैं, नंबर एक, और नंबर दो इस गैंगरेप को छोटी घटना बताते हैं, छोटी घटना। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। जनवरी में 8 साल की बच्ची को अगवा करके बलात्कार और उसके बाद हत्या, खामोशी रही थी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई मीडिया में। बच्ची के साथ कई दिनों तक कई लोगों ने गैंगरेप किया, ऐसा चार्जशीट बता रही है। आरोपियों के समर्थन में वकील उतर आए, उन्होंने चार्जशीट दाखिल करने से मना किया।
आरोपियों के समर्थन के में बीजेपी के मंत्री उतर आए जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि पार्टी कहीं ना कहीं शर्म के मारे मानती है कि यह गलत बात थी। मगर अब क्या हो रहा है, चाहे रविंद्र जसरोटिया हो, उनको प्रमोट कर दिया गया है, वो इस रैली में मौजूद थे। कुछ लम्हों के लिए सोचिए, कुछ लम्हों के लिए सोचिए, यह एक मासूम का बलात्कार था और बलात्कार की पीड़िता का कोई मजहब नहीं होता है। मगर सियासत में हमारे राजनेता इतने अंधे हो गए हैं कि वो न्याय, इंसाफ और नाइंसाफी, इन तमाम पैमानों के बीच का फर्क तक भूल गए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।